की होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा जबरदस्त से प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है और अपने व्यूअर्स का बहुत ख्याल रखता है। कभी हम आपको लेकर जाते हैं कराची की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स के ऊपर जहाँ पर हम आपको बहुत सारी मालूमात देते हैं, तो कभी लेके जाते हैं आपको बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर तफरीहात की बहुत सारी जगहें होती हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग मौजूद हैं एजाज फूड एंड चटखारा पर। कराची की जबरदस्त सी मशहूर स्ट्रीट है जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट है, लेकिन एजाज चटखारा फूड जैसा कोई रेस्टोरेंट नहीं। इनकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं आपसे शेयर की जाएंगी। इनको स्टार्ट किए हुए माशाल्लाह से 30 ईयर्स हो चुके हैं, 30 साल से इस चीज़ का सिलसिला जारी है। इन लोगों ने एजाज चटखारा से स्टार्ट किया जिसके अंदर चाट और गोलगप्पे का स्टार्टअप लिया इन्होंने। उसके बाद इन लोगों ने इसको बारबेक्यू आइटम्स की तरफ लेके गए, एजाज बारबेक्यू, एजाज फास्ट फूड, उसके बाद एजाज बिरयानी, एजाज शवरमा, और आज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आपको ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट मजीद चीज़ें। जी हाँ नाज़रीन, तो आप लोगों को बता दी जाऊँ कि एजाज चटखारा इन फूड्स ने क्या नया स्टार्ट किया। इन्होंने स्टार्ट किया है जबरदस्त सा चरखा, एजाज चरखा। जी हाँ, लोगों की पुरजोर फरमाइश पे वन विंडो के नीचे मिलने वाली तमाम चीजों के साथ साथ एक चरखे का भी इजाफा हो गया है। जी हाँ, ये इन लोगों ने जितनी भी चीजें स्टार्ट की हैं ये लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी जगह, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर अगर आप लोग आते हैं तो इसकी खास बात यह है कि पूरी फैमिली के साथ हर फैमिली के टेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे तमाम आइटम्स मिलेंगे, फास्ट फूड से लेकर बारबेक्यू आइटम से लेकर चटखारे आइटम से लेकर आइसक्रीम से लेकर पिज्जा से लेकर आप लोगों को तमाम आइटम्स वन विंडो के नीचे मिलेंगे। मतलब है कोई बच्चा अगर आता है यहाँ पे तो बच्चे से लेकर बड़े होने से बूढ़े होने तक हर इंसान की पसंद के आइटम्स आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एजाज चटखारा इन फूड्स के ऊपर। तो आप लोगों ने भी विजिट करना है लाजमी इनका, और हम आप लोगों को आज दिखाने वाले अपने शो में इनकी मज़ेदार मज़ेदार से पकवान, इनकी मज़ेदार मज़ेदार से आइटम्स। तो चलें, किस बात की देर है, चलते हैं इनके रेस्टोरेंट के अंदर और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। जी हाँ नाज़रीन, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनकी ऊपर रेस्टोरेंट पे आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर कितना रश है माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों का हुजूम आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जो खाली है, बल्कि यहाँ वेटिंग्स चल रही हैं। तो चलें, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का एम्बियंस कैसा लगता है, यहाँ का फूड टेस्ट कैसा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इनके इवेंट्स भी होते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बातें बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती जाऊँ यहाँ के शॉट्स और आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर एसी चिल्ड माहौल के अंदर आपको कितने मज़े से, सुकून से, अच्छे से एम्बियंस में मिलकर यहाँ पर फैमिली माहौल में बैठ कर आप लोग खाने को इन्जॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा बिनिश, सॉरी बिनिश। बिनिश, बिनिश जी, कैसा लगा है आपको यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का माहौल कैसा लगा है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आती रहती हूँ? आती रहती हूँ यहाँ पे, आती रहती हूँ मैं। अच्छा, आती रहती हैं, जबरदस्त। आप पूरी फैमिली के साथ आई? जी, फैमिली के साथ आई हूँ। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है, आपको पता है एजाज पकवान की कि एजाज चटखारा एंड फूड्स की कि यहाँ पर वन विंडो के नीचे बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए हर आइटम मौजूद है। बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब मैं आती रहती हूँ, डिनर खाना वगैरह सब, आइसक्रीम सब बहुत अच्छा है। कैसा टेस्ट है? अच्छा है, काफी अच्छा है। प्राइसेस कैसी हैं? प्राइसेस भी नॉर्मल है, प्राइसेस भी रीजनेबल है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ की खास बात क्या है कि आप यहीं आती हैं, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं तो एजाज चटखारा एंड फूड्स पे? तो ये है कि थोड़ा माहौल भी अच्छा है और खाना भी अच्छा होता है, प्राइस भी सही है, नॉर्मल है और हिसाब से अच्छा लगता है मुझे बस। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग जो लोग हमें देख रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगी कि अगर आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ पर ट्राई करने आए, बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट पे आए हैं या फिर आते रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो यहाँ आते रहते हैं। यहाँ की एक्चुअली बिरयानी जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये समझ लें कि अगर स्पाइसी बिरयानी मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की। ओके, मतलब एजाज बिरयानी स्पेशली हम बिरयानी के लिए आते हैं। ओके, आपको पता है इन्होंने अभी न्यूली चीज़ आज जो है वो लॉन्च की है, लॉन्च हुआ है एजाज चरखा, बस आपने वो लाजमी ट्राई करना है क्योंकि इनका एक न्यूली आइटम है और इन्होंने स्पेशली कस्टमर डिमांड के ऊपर जो है वो उसको लॉन्चिंग की है, और माशाल्लाह बहुत सेल, हॉट सेलिंग में इनका भी आइटम है वो, तो आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? नरमीन। नरमीन जी, कैसा लगा आपको और आप क्या खा रही थी? आपके हस्बैंड ने तो बिरयानी ट्राई की, आपने क्या ट्राई किया? हमने ब्रोस्क और बच्चों ने लिमका। वाह वाह, जबरदस्त। मतलब है देखिए बच्चों के लिए भी आइटम्स है और बड़ों के लिए भी, तो फिर कैसा लगा आपको इनका फूड टेस्ट? क्या है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ के गोलगप्पे भी ट्राई किए और क्या कहते हैं चाट वगैरह भी खाई है, तो
बहुत अच्छा टेस्ट लगा। हम लोग तो आए दिन आते रहते हैं, करीब ही रहते हैं यहाँ। अच्छा जबरदस्त, मतलब आप लोग आते रहते हैं यहाँ के ऑलमोस्ट डेली कस्टमर्स। अच्छा मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात की माशाल्लाह से, सबसे यही सुना है कि फर्स्ट विजिट नहीं है सबका, सब लोग जो हैं वो यहाँ पे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, आते रहते हैं। और सबको एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो एसी चिल्ड माहौल के अंदर आपको इतना अच्छा एम्बियंस फैमिली माहौल मिल रहा है, साथ साथ सबसे ज़बरदस्त बात कि वन विंडो के नीचे आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं, आपने मुँह से निकालना और एजाज मकान हाजिर करनी है, राइट जी। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा इनका ऊपर का सिटिंग एरिया जो कि बहुत ही एसी और चिल्ड माहौल में था, इसी तरह से ये लोग किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही खूबसूरत से माहौल के अंदर, बिल्कुल आसमान के नीचे तख्त का इंतजाम किया हुआ है, और यहाँ पर भी बहुत सारी फैमिलीज खुली हवा के अंदर इंजॉय कर रही हैं और अपने फूड को बहुत ही ज़्यादा मज़े से बैठ कर इंजॉय कर रही हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फैमिलीज़ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एजाज पकवान से, उनके साहबजादे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका प्लीज़? रज़ा एजाज। रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह हम लोग यहाँ पर जब आए और हमने यहाँ पे विज़िट किया तो एजाज फूड एंड चटखारा ने माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली है। लास्ट टाइम से हम जब यहाँ पर आप विज़िट पर आए हैं तो बेहतर से बेहतरीन हमने देखा, और हमने देखा कि माशाल्लाह यहाँ पे एक तो पूरी भरपूर फूड स्ट्रीट है, लेकिन उसमें एजाज चटखारा एंड फूड को बहुत ज़्यादा इनहेंस किया हुआ है लोगों ने। माशाल्लाह इतनी गहमा गहमी, इतने लोग, इतना रश, इतनी भीड़ है अल्लाह के फजल करम से कि यहाँ वेटिंग्स भी हैं माशाल्लाह से। तो आप मुझे बताएंगे कि ये सब सिलसिला कब से जारी है, कैसे चल रहा है? जी हमने स्टार्ट किया था 2019 में, हमने सिर्फ स्टार्ट लिया था आइसक्रीम गोलगप्पे चाट जो चटखारा टाइप चीज़ें हैं ना, हाई टी वगैरह, तो उन सब हमने स्टार्ट दिया था। तो ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, फिर हमने फास्ट फूड भी लगाया, बिरयानी भी है हमारे पास, फिर गोलगप्पे चाट तो पहले से थे, गोरखंडा वगैरह, और फिर लेटेस्ट आइटम हमारा जो है चरगा भी है। हमने ये रिसेंटली अभी अभी लॉन्च कराई है हमने, तकरीबन 15 दिन पहले। ये आप लोगों ने चरगा क्यों लॉन्च किया है, लोगों की फरमाइश थी या खुद से बस दिमाग में आया कि बस ये भी लॉन्च किया जाए? ये पब्लिक भी फरमाइश थी, साथ में ही हमें हमारा भी अपना भी फेवरेट आइटम है, तो एक थी कि हमारा आइडिया था कि हमारा चरगा भी यहाँ पे फूड स्ट्रीट में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के अंदर के किसी के बाद चरगा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। सबा जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ आती रहती हैं या फर्स्ट विजिट है आपका? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम विजिट है, अच्छा मतलब है यकीनन आप फर्स्ट टाइम जब विजिट किया होगा तो यहाँ का फूड टेस्ट अच्छा लगा होगा, यहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा होगा, कोई क्वालिटी यहाँ की अच्छी लगी होगी जिसकी वजह से सेकंड विजिट है, तो वो क्वालिटी जानना चाहूँगा। जब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो अच्छा लगा था, अकेले आए थे हस्बैंड के साथ ही, फिर अब सेकंड टाइम सबको इन्वाइट किया फैमिली के साथ, फिर हम लोग आए यहाँ। अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे काफी ह्यूज फैमिली है, तो ये आपकी फैमिली या फ्रेंड्स है? नहीं नहीं फैमिली है, मतलब सिस्टर्स है, उनके बच्चे हैं सब, कजन वगैरह हम लोग सब। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे आपको क्या अच्छा, यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम कौन सा लगता है? अभी सेकंड टाइम ही आए हैं। नहीं तो आपने ट्राई किया, क्या अच्छा लगा? यहाँ की हर चीज़ ही अच्छी थी फिलहाल तो, सभी अच्छी है। वाह भाई, मतलब ये देख सकते हैं आप, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको हर चीज़ अच्छी लगी। हम इनके साथ जो मौजूद है इनकी सिस्टर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फरत। फरत जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर आप अपनी सिस्टर के साथ आई हैं, कैसा लगा, मजा आया आपको, एंजॉय किया आपने? हाँ एंजॉय किया, सही है, घर की मतलब से बारह का जरा अच्छा एंजॉय किया, सही है, ठीक है, जबरदस्त, मतलब है एनवायरनमेंट को भी एंजॉय किया आपने अच्छे से, और जो है वो फूड को भी। तो यहाँ पे आपने क्या मंगवाया था अपने खाने? हमने तो बच्चों ने यहाँ सिंगर मंगवाया था और टिक्का मंगवाया था, ठीक है। हाँ कैसा लगा आपको फूड में? अच्छा था। अच्छा यहाँ पे इन्होंने न्यू चीज लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर लॉन्च की है जो कि चरगा, एजाज चरगा है, उसको ट्राई किया आप लोगों? नहीं अब तक तो हमने तो नहीं किया, फर्स्ट टाइम। ट्राई आप लोगों ने लाजमी करना है, उन्होंने अभी लॉन्च किया और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, और वो अभी इस वक्त जो है वो हॉट सेलिंग आइटम में से एक है। जी व्यूअर्स, आपने जैसा कि देखा कि हमारे पास यहाँ पर लोगों का हुजूम है एजाज फूड एंड चटखारा पर, इनके साहबजादे से भी हमने बात की, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर साहब एजाज साहब, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का रश है, गहमा गहमी है, बहुत सारे लोग वेटिंग पे बैठे हुए हैं, फूड स्ट्रीट के ऊपर बेतहाशा फूड्स जो है वो चेन्स बन चुकी हैं, बट एजाज फूड एंड चटखारा ने एक अपना ही नाम बनाया हुआ है माशाल्लाह, और एक अपनी ही जगह बनाई हुई है, मतलब एक विंडो के नीचे इतना कुछ प्रोवाइड करें, कैसे आप लोग इस सब चीज़ों को माशाल्लाह मैनेज करते हैं? सभी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका फजल व करम है कि सब ये मैनेज हो रहा है और सब काम ही हो रहा है, अल्लाह ताला के फजल व करम से सब चल रहा है। हमारी आइंदा भी ये कोशिश है कि ये अच्छे से अच्छा हम लोगों की खिदमत कर सकें और अच्छे से अच्छे आइटम ला सकें और अच्छे से अच्छा उनको फूड की दुनिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें।
जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो इनसाइड माहौल बहुत ज़बरदस्त सा बना है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, यहाँ पर भी एसी चिल माहौल है और यहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज बैठी हैं और अपने फूड को एंजॉय कर रही हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा काजी। उसामा जी, क्या एंजॉय कर रहे हैं आज आप एजाज फूड्स का? बस आज ऐसे रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे खाना खा के। ओके, रिफ्रेशमेंट तो क्या लिया आपने? मैंने गोला गंडा। गोला गंडा, ओके जबरदस्त। वैसे हम लोग ऊपर भी गए तो उनकी गोला गंडी की बड़ी तारीफ सुनी, अब आप बताएं कि कैसा है? नहीं, अच्छी क्वालिटी इनकी, बहुत अच्छा है, बेहतर फूड टेस्ट अच्छा। और इनकी प्राइसेस कैसी है? इनकी प्राइसिंग नॉर्मल है, रीजनेबल। जी रीजनेबल है, बाकी इतने अच्छे मॉल के अंदर बड़ी रीजनेबल प्राइस के साथ बड़ा जबरदस्त सा फूड मिल रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि वीकेंड्स पे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिलीज को लेके निकलिए। जी आज आप किसके साथ आए हैं? अपनी वाइफ के साथ आया हूं। वाइफ के साथ, ओके जी, वाइफ से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महरीन। महरीन, आप अपने हस्बैंड के साथ आज एंजॉय कर रही हैं वीकेंड को, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे। वो टेस्ट अच्छा था और हस्बैंड के साथ आने के बाद और अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एजाज पकवान का आप पहले भी कुछ ट्राई किया है या फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पे? नहीं, हम यहीं पे आते हैं। अच्छा, यहाँ आती रहती हैं? जास फूड चटखारा, इनके बारबेक्यू, इनके फास्ट फूड, सारी चीज़ ट्राई की हैं? जी हमने ट्राई की। पता है कि इनका नई चीज़ एक लाउंज हुई है चरगा, वो इन्होंने एजाज चरगा लाउंज किया अभी न्यूली और वो बहुत ज़्यादा कस्टमर डिमांड था हाईली, तो अभी वो सबसे ज़्यादा इनका हॉट सेलिंग है, उसको आपने मस्ट ट्राई करना। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग घर बैठे मज़ेदार मज़ेदार फूड्स इन्जॉय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ajazfoods.com पे। और इसके साथ साथ आप लोग इनका फूड पार्लर पर भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर इनकी वेबसाइट विजिट करें और ऑर्डर करें, तो देर ना करें, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने फूड आइटम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएं कि जैसे कि आप लोगों के आइसक्रीम भी है यहाँ पर, तो आइसक्रीम में आप लोगों के पास गोला गंडा और क्या क्या होता है? आइसक्रीम हमारे पास आइसक्रीम होती है, कुल्फी, फालूदा आइसक्रीम शेक हो गए, शेक्स वगैरह हो गए, किटकैट शेक हमारा फेमस है यहाँ का, किटकैट शेक, ब्राउनी शेक, ओरियो शेक वगैरह, और आइसक्रीम भी सारी वरायटी मिल जाएगी आपको। तकरीबन 20 से 25 फ्लेवर है हमारे पास, और इसमें फेमस फ्लेवर जो है पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वनीला, मैंगो, ये हमारे फ्लेवर, हमारे ये ज़्यादा चलने वाले रनिंग आइटम है। इसके अलावा मिल्क शेक भी मिल जाएंगे आपको और जूस में एप्पल जूस वगैरह ये सब मिल जाएगा हमारे पास। ज़बरदस्त, मतलब इतने सारे आइटम्स आप लोगों को आइसक्रीम के कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एजाज फूड्स आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि वन विंडो के नीचे स्वीट आइटम्स में भी इतने सारे आइटम्स, कि आपने बताया कि 20 से 25 सिर्फ आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं, फिर उसके बाद गोला गंडा है, फिर उसके बाद शेक्स हैं इनके पास। वाओ ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा इसके साथ साथ ये बताएं कि फास्ट फूड में आप लोगों के पास क्या आइटम्स होते हैं? फास्ट फूड में ईस्टर्न एवरीथिंग मिल जाएगी आपको, आपको सैंडविच मिल जाएंगे, आपको जिंगर बर्गर मिल जाएंगे, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा फ्राइज मिल जाएगी आपको, और आजकल ये चल रहा है ये जिंगर रोड, तो क्रिस्पी, वो हमारे यहाँ इसको क्रिस्पी रोड कहा जाता है, वो भी मिल जाएगा आपको, तो उसकी बड़ी डिमांड है, वो भी रनिंग आइटम है हमारा। ये देखिए हमारे साथ एक गोल गप्पा सा बच्चा मौजूद है, बहुत ही क्यूट सा, और उसने यहाँ पर गोला गंडा मंगवाया इनका, इनके स्वीट आइटम्स में से। चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलहा। मोहम्मद अलहा, क्या मंगवाया आपने? गोला गंडा। खा लोगे इतना बड़ा? नहीं। फिर सब मिल के खाएंगे, शेयर करोगे? कैसा लगता है ये? मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। तो चलो अपने फ्रेंड्स को फिर जल्दी से जो है वो मैसेज दो कि उन्होंने भी जो है वो एजाज चटखारा फूड्स पे आना और एंजॉय करना इसी तरह से जैसे आप कर रहे हो एंजॉय। मेरे दोस्तों को भी आना चाहिए, यहाँ का जो फूड है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जी नाज़िम, तो एक और हमारे साथ बच्चे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम आयल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। 6 में। अच्छा आज आप एजाज फूड्स एंड चटखारा पे आए हैं, यहाँ पर एंजॉय किया आपने, मज़ा आया आपको? जी। कितना मज़ा आया? बहुत आया। बहुत मज़ा आया। कैसा लगा यहाँ का खाना? यहाँ का खाना अच्छा है, टिक्का अच्छा था। आपने क्या ऑर्डर किया था? टिक्का ऑर्डर किया था, चिकन टिक्का ऑर्डर किया था। कैसा टेस्ट था? अच्छा था इसका। तो फिर जल्दी से अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या जिसको भी आप कोई भी व्यूज देना चाहते हैं, अच्छे से व्यूज दे दें। मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मेरी तरफ से मैसेज है मेरे फ्रेंड्स को कि इधर का खाना बहुत अच्छा है, आप लोग को भी इधर का खाना खाने चाहिए। माशाल्लाह से इनकी बिरयानी जो कि बहुत रनिंग आइटम्स में से एक आइटम है, बहुत डिलिशियस है, बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी, राइट? तो उसके साथ आप लोग फ्री रायता देते थे और उसकी पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो क्या अभी भी ये ऑफर है वैलिड? जी जी बिल्कुल है, ये बिरयानी हमारी पूरी नाथ कराची में माशाल्लाह मशहूर है, और जो जायका हम प्रोवाइड कर रहे हैं शायद किसी और दुकान पे नहीं मिले, और रेट भी बहुत मुनासिब रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ हम रायता भी फ्री देते हैं, और पैकिंग हमारी बहुत अच्छी है।
जबरदस्त। माशाल्लाह पैकिंग के बारे में तो मैंने सुना ही था कि आप लोगों की बहुत अच्छी है। आप लोगों के पास माशाल्लाह आप लोगों ने स्टार्टअप लिया था चटकारा से, जिसमें आप लोगों ने गोल गप्पे, चना चाट, और फिर उसके बाद आप लोग जो है वो बारबेक्यू आइटम्स की तरफ आए। बारबेक्यू आइटम्स में बहुत सारे आप लोगों के सीख कबाब, रोल कबाब और बहुत सारे आइटम्स हैं। उसके बाद आप लोग आए फास्ट फूड की तरफ, फास्ट फूड में जिंगर बर्गर, ब्रोस वगैरह और बहुत सारे आइटम्स उसके अंदर हैं। उसके बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर उन्होंने बताया आपके बेटे साहब ने हमें कि 24 फ्लेवर्स हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा फिर शेक्स भी आप लोग के पास बहुत सारी वैरायटी है। फिर उसके बाद गोला गंडा एंड ऑल, फिर शवरमा आ गया, फिर उसके बाद बिरयानी हो गई, पुलाव आ गया, और उसके बाद माशाल्लाह आप लोगों ने एक न्यू इन्वेंट किया है चरगे को, एजाज चरगा। तो मतलब वो आप लोगों ने खुद से सोचा है या किसी का जोर था किसी चीज़ से? हमारे जो क्लाइंट थे उनकी बहुत फरमाइश थी कि आप चरगा भी लगाएं, क्योंकि पूरी नॉर्थ कराची में चरगा कहीं भी नहीं है। लोग चरगा खाने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत करीब नागन चौरंगी के ऊपर बेहतरीन और बहुत मुनासिब कीमत में चरगा आपको मिलेगा। ज़बरदस्त, मैंने सुना है कि आपकी प्राइजेस बहुत रीज़नेबल हैं, टेस्ट बहुत डिलीशियस है, सर्विसेज बहुत बेस्ट है, और सबसे बेहतरीन बात एजाज पकवान की और एजाज चटकारा फूड्स की, जो कि लोगों से हमें व्यूज से मिली है, कि एम्बियंस तो बहुत अच्छा ही है। वन विंडो के नीचे बच्चे से लेके बूढ़े तक को हर चीज़ की सर्विसेज यहाँ पर फराम है। मतलब है कोई अगर बच्चा भी यहाँ आता है, उसको गोलगप्पे, किसी बच्चे को आइसक्रीम खानी है उसके लिए आइसक्रीम गोला गंडा यहाँ पर अवेलेबल है, किसी बड़े को जो है वो चटपटी चीज़ें खानी है, कोई चटकारा टाइप का कुछ खाना है, गोलगप्पे चाट, तो वो भी अवेलेबल है। किसी ज़हीफ इंसान को खाना खाना है, कढ़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, एक्सवाइजी, हर चीज़ एक एक विंडो के नीचे आपको प्रोवाइड हो रही है। मतलब एक नाम इतना मखसूस है, लेकिन माशाल्लाह वन विंडो में इतनी सारी सर्विसेज। जी जी ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पकवान से शुरू होते हैं यहाँ तक पहुँचे, अब इंशाल्लाह ताला और आगे कोशिश जारी रहेगी। हमारी पकवान को भी आप खिदमत का मौका देते रहिएगा, जैसे आप 30 साल से मौका दे रहे हैं, आपका एतमाद है, आपके एतमाद की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, और आपके एतमाद बरकरार रहा है इंशाल्लाह ताला फिर और ऊपर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने बताया। बेशक बेशक एक बिज़नेस के लिए सबसे बेहतरीन बात ये होती है टेस्ट को बरकरार रखना, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजाज चटकारा और पकवान ने रखा है। अगर आप लोगों के घर में किसी भी किस्म की कोई भी तकरीबात है, जैसे कि कोई शादी है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टीज है, या फिर किसी की इंगेजमेंट सेरेमनी, या फिर निकाह सेरेमनी, तो आप लोगों ने याद करना है सिर्फ और सिर्फ एजाज पकवान को। 12 रबीउल जैसे खास मौके पर भी आप लोग एजाज पकवान को याद कर सकते हैं और इनके दिलचस्प खाने ऑर्डर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का स्टाफ इतनी मेहनत कर रहा है तो उनसे भी बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना जी यहाँ पे कितने टाइम से? मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या करती हैं? मैं यहाँ पे एज अ वेटर भी हूँ, एज अ जीआरओ भी हूँ, दोनों काम करती हूँ। ज़बरदस्त, दोनों काम कर रही होती हैं, ऑलराउंडर हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको कैसे रिव्यूज़ आते हैं कस्टमर से? अभी तक तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं और कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं होती, ना फूड के हवाले से, ना टेस्ट के हवाले से, ना सर्विस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी 1.5 साल में जो मैंने देखा है फूड के हवाले से या सर्विस के हवाले से, जो भी रिव्यूज़ आए हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए हैं। एक और हमारे साथ खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशना। अशना जी आपने क्या ऑर्डर किया? मैंने जिंगर विद चीज़। जिंगर विद चीज़, अच्छा। मतलब यहाँ का कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट अच्छा है। पहले भी आई यहाँ पे? जी एक दफ़ा। अच्छा क्या ट्राई किया था तब? बिरयानी। बिरयानी तो उसका टेस्ट कैसा लगा? उसका भी अच्छा था। बारबेक्यू आइटम में आप लोग के पास क्या होता है? बारबेक्यू में आपको कबाब मिल जाएंगे, बोटी मिल जाएगी, चिकन बोटी है, बीफ बिहारी बोटी है, और चिकन अचारी बोटी है, सिख कबाब, रेशमी कबाब, और इसके अलावा हमारे प्लेटर भी है, एजाज प्लेटर भी मिल जाएगा आपको। प्लेटर भी आप लोग के पास? जी एजाज प्लेटर भी मिल जाएगा, और बाकी दूसरे आइटम रोल पराठा वगैरह मिल जाएगा आपको, चिकन रोल, बीफ रोल। इसके अलावा आप लोग रेस्टोरेंट के अलावा इसको कैटरिंग की तरफ भी करते हैं, मतलब है जो पकवान वगैरह की साइड? जी हमारा पकवान में जैसा आप हमने जो आपके पिछले विजिट में उसमें बताया भी है कि हमने स्टार्ट पकवान से लिया था, बेसिकली हमारा काम ही पकवान कैटरिंग का है, और तीसरा पुराना काम है हमारा कैटरिंग का, और बंस रोज से हमारा हमने शार्ट लिया था कैटरिंग का। अगर आप लोग घर बैठे ज़बरदस्त खाने इंजॉय करना चाहते हैं और अगर फूड डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर अभी कॉन्टेक्ट करें, फूड डिलीवरी करवाएं, एजाज फूड एंड चटकारा की मज़ेदार खाने से फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आप? बुशरा। बुशरा जी क्या खा रही हैं आप? हम लोग टिक्का।
टिक्का जबरदस्त, मतलब एजाज फूड का टिक्का, तो कैसा है इनका टेस्ट? अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, हम लोगों ने टेस्टिंग। फर्स्ट टाइम विजिट आप? जी हम लोग यहाँ पर आए थे तो फर्स्ट टाइम विजिट किया हमने। जबरदस्त, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी लोगों से कमेंट्स लिए ऑलमोस्ट इनके पुराने कस्टमर्स हैं, तो हमारे पास वह फर्स्ट विजिट वाले कस्टमर भी आए हैं। वैसे जो है वो क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का एम्बियंस? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्राइजेस इनकी कैसी है? वो अभी तो मुझे पता ही नहीं है, समझे, हमने ऑर्डर ही किया, हमें प्राइजेस का कुछ पता ही नहीं है। ओके जी, चलें ठीक है। वैसे तो इनकी प्राइजेस और इनका फूड टेस्ट बहुत डिलिशियस है, होप यू एंजॉय योर फूड। जी मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप कोई अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को, उनको बताएं कि अगर वो कोई होम डिलीवरी वगैरह की सर्विस भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं तो प्लीज़। जी होम डिलीवरी सर्विस भी हमारी अपनी होम डिलीवरी, तकरीबन हमारे पास तकरीबन इस वक्त 10 से 12 ऑर्डर हैं, तो पूरे नॉर्थ को, नॉर्थ नज़ाबाद गुलशन एरिया ये सब कवर कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा है कि हमारा आगे भी, आगे सदर वगैरह की तरफ भी हम कवर करेंगे, होम डिलीवरी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये वीवर जो है वो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह सब आएंगे आपके। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है ijazfood.com, आप ijazfood.com पर जाके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं होम डिलीवरी का। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनके माशाल्लाह 30 से 35 राइडर्स हैं जो कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। उनमें से कुछ राइडर्स यहाँ पर हैं जिनके हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से होम डिलीवरी सर्विस भी है इनकी। जी व्यूअर्स, उम्मीद है मुझे कि हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने मेरे शो स्ट्रीट टाइम्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। आज भी आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि आज हम लोग मौजूद थे नागन चौरंगी पर न्यू कराची। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पूरी फूड स्ट्रीट है जिसमें बड़ी ही रौनकें हैं, लेकिन एजाज पकवान की तो अपनी ही रौनक है, एजाज फूड एंड चटकारा की अपनी ही बात है, जो कि हम लोगों ने आज आप लोगों को विजिट करके दिखा दिया। इनके साहबजादे से भी हमने बात की, यहाँ पर कुछ कुलीग से, इन लोगों के यहाँ के वर्कर्स से जिनसे हम लोगों ने बात की यहाँ पर जाना, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त से व्यूज़ दिए। हम लोगों ने आपको इनकी तमाम डिशेज़ दिखाई, इनके कितने यहाँ पर आइटम्स मौजूद हैं, कितने सेशंस हैं इनके, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, किस तरह से इनकी फूड डिलीवरीज होती है, इससे रिलेटेड तमाम क्यूरीज आपकी क्लियर कर दी होंगी। यकीनन मज़े मज़े के खाने देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो आप लोगों ने मुंह में पानी नहीं लाना, एजाज फूड एंड चटकारा का विजिट करना है और यहाँ के ज़बरदस्त ज़बरदस्त खानों से फ़ायदा उठाना है। तो देर नहीं करनी आप लोगों ने, अगर आप लोग भी चाहते हैं यहाँ पर विजिट करना तो नागन चौरंगी न्यू कराची पे फूड स्ट्रीट के ऊपर एजाज फूड एंड चटकारा मौजूद है, इनके पकवान से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे बिरयानी, पुलाव और बहुत सारी चटकारा में आप लोगों को आइटम्स मिलेंगे, जिसमें गोलगप्पे, चाट, इनका बारबेक्यू आइटम, इनका फास्ट फूड आइटम, इनका शॉर्मा, और साथ साथ इनकी न्यू लॉन्चिंग इनका चरगा भी मिलेगा एजाज चरगा के नाम से। आइसक्रीम्स में भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर वन विंडो के नीचे फैमिली के साथ ज़बरदस्त एम्बियंस में इंजॉय करना है तो कहाँ आना है, सिर्फ और सिर्फ एजाज फूड एंड चटकारा। उम्मीद है नाज़रीन कि हमेशा की तरह आज भी शो को आप लोगों ने भरपूर तरीके से देखा होगा और इंजॉय किया होगा। अपनी होस्ट मायरा बलोच को स्ट्रीट टाइम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए फिर ज़बरदस्त शो लेके आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।